हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज हम पढ़ेंगे बीएससी बीटेक के लिए जो मैकेनिक्स स्टैटिक्स होती है वो। देखिए, हमारा क्वेश्चन है डब्ल्यू भार वाला एक कण जो स्थिर बिंदु से एक भारी अति तान्य डोरी के से बंधा है और एक ऊर्ध्वाधर तल में एक वृत्त में घूम रहा है। जब कण अधिकतम व न्यूनतम ऊंचाई पर होता है तो डोरी में खिंचाव क्रमशः एम डब्ल्यू व एन डब्ल्यू होता है, तो चित करना है एन इज इक्वल टू एम प्लस सिक्स। और यदि आप इस YouTube प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास ही आएगा और बेल को ऑल पे प्रेस कर देना। तो देखिए, बिना कुछ समय की देरी हमारा क्वेश्चन है। तो हमें पहले हम एक डोरी लेते हैं, उसकी लंबाई लेंथ लेते हैं ए, ठीक है, और जो कण का वेग लेते हैं वो लेते हैं वी। अब देखिए, अब कोणीय वेग हमेशा कोणीय दूरी है वो क्या लेते हैं थीटा, ओके, कोणीय दूरी थीटा लेते हैं, और रस्सी में तनाव है वो टी है ना। ये फिजिक्स के डायनामिक्स फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, ऐसे ही हम डेरिवेशन करते हैं तब मानते हैं ना। तो देखिए, यहाँ पर हमने एक यहाँ पर एक डोरी ली और ये तनाव है यहाँ पर किया है थीटा, और ये तनाव टी है, कोणीय ये थीटा है, और जो एम जी तनाव नीचे की लग रहा है एम जी बाहर, और ये पी बिंदु हमने यहाँ से लिया, यहाँ एन भी नाम दिया, और ये वी वेग से कण गतिशील है, ओके। ये हमें ग्राफ बनाना है। हमें पता है टी इजिकल टू जो रस्सी में तनाव होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, टी इजिकल टू एम अपॉन ए यू स्कोर माइनस टू ए जी प्लस थ्री ए जी कॉस थीटा, है ना, यही फॉर्मूला होता है। तो टी इजिकल टू हमें पता है एम इजिकल टू क्या लिख सकते हैं डब्ल्यू अपॉन जी, तो एम की जगह हमने लिखा डब्ल्यू अपॉन जी, और ए नीचे था ही यू स्कोर माइनस टू ए जी प्लस थ्री ए जी कॉस थीटा। तो देखिए, यहाँ पर उच्चतम बिंदु हाईएस्ट बिंदु पर यदि हम देखें यहाँ पर, तो टी इजिकल टू एम डब्ल्यू, तो थीटा इजिकल टू पाई, टी इजिकल टू यदि एम डब्ल्यू होगा तो हमें पता है एम डब्ल्यू इजिकल टू एम डब्ल्यू हो जाएगा। तब ये जब यहाँ पर जब ये एम डब्ल्यू हो जाएगा, यानी कि ये रस्सी एकदम पूरी सरल रेखा में घूम जाएगी, तब थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा फाइव 180 डिग्री हो जाएगा। तो समीकरण नंबर एक से ये हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिया है, यहाँ पर हमें थीटा की जगह एक पाई लिखना है ना। तो देखिए, और टी की जगह हमें क्या लिखना है एम डब्ल्यू, तो टी की जगह हमें हमने लिखा यहाँ पर एम डब्ल्यू इजिकल टू डब्ल्यू अपॉन जी ए म्यू यू स्क्वायर माइनस टू ए जी प्लस थ्री ए जी कॉस फाइव, तो एम ए जी इजिकल टू यू स्क्वायर माइनस टू ए जी प्लस यहाँ पर कॉस फाइव का माइनस एक होता है माइनस थ्री ए जी आ जाएगा और यू स्क्वायर माइनस फाइव ए जी आ जाएगा। तो एम ए जी इजिकल टू हो गया यू स्क्वायर माइनस फाइव ए जी, इसको हमने समीकरण नंबर दो दे दिया। अब देखिए, निम्नतम बिंदु पर देते हैं, वहां पर हम टी इजिकल टू क्या लेना एन डब्ल्यू, ये हमें क्वेश्चन में ही कहा है उच्चतम पर ये लेना निम्न पर ये लेना, और थीटा इजिकल टू क्या लेना जीरो है ना। तो यहाँ पर एन डब्ल्यू थीटा जीरो ही होगा है ना, तो एन डब्ल्यू इजिकल टू W अपॉन ए जी, वही फॉर्मूला है समीकरण एक नंबर वाला, वहां पर कॉस की जगह जीरो लिखा है ना। तो एन ए जी यहाँ से वज्र गुणन हो जाएगा, डब्ल्यू डब्ल्यू से कट जाएगा, तो एन ए जी इजिकल टू यू स्कोर, यहाँ कॉस जीरो का मान क्या होता है एक होता है ना, तो थ्री ए जी में से टू ए जी गया वन ए जी, यानी कि ए जी, तो एन ए जी इजिकल टू यू स्कोर प्लस ए जी, इसको हमने समीकरण नंबर तीन दे दिया। अब समीकरण नंबर तीन में से दो घटा देंगे, ये समीकरण में से ये घटा देंगे, यानी एन ए जी माइनस एम ए जी, तो क्या हो जाएगा यू स्कोर माइनस ए जी में से यू स्कोर माइनस फाइव ए जी घटाना है ना, तो ए जी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये यू स्कोर से यू स्कोर घट जाएगा, तो ए जी प्लस फाइव ए जी इजिकल टू यहाँ से कॉमन ले लिया, तो एन माइनस एम इजिकल टू ए जी कॉमन लिया वन प्लस फाइव, एन ए जी से ए जी कट गया, तो एन माइनस एम इजिकल टू सिक्स और एन इजिकल टू एम प्लस सिक्स, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। देखिए, हमें यही सिद्ध करने के लिए कहा, तो जो हमने यहाँ पर सिद्ध कर लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना, और ऐसे ही पर एजुकेशनल रिलेटेड बीएससी बीटेक इंजीनियर मैथमेटिक्स रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स।